दिल्ली से सटा फरीदाबाद स्मार्ट सिटी की दौड़ में भले ही पिछड़ गया हो, लेकिन क्राइम सिटी बनने की दौड़ में सबसे आगे है। दो अलग अलग जगहों से दो प्रॉपर्टी डीलरों को गोली मारकर हमला करने का मामला सामने आया है। दिखाई दे रही ये तस्वीरें दिन दहाड़े हुई गुंडागर्दी की हैं। जी हाँ, फरीदाबाद के सेक्टर 22 में कुछ बदमाश दिन दहाड़े एक प्रॉपर्टी डीलर को घेर कर बुरी तरह से पिटाई कर रहे हैं। इन तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे एक काली गाड़ी और दो दोपहिया वाहनों में सवार होकर लगभग दर्जन भर बदमाश इस प्रॉपर्टी डीलर को बीच सड़क पर घेर कर उसे गिरा गिरा कर बुरी तरह पीट रहे हैं और फिर उसे गोली मारकर सड़क पर अधमरी हालत में छोड़कर फरार हो जाते हैं। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित को गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पीड़ित के मुताबिक 2016 में कुछ बदमाशों ने उससे मारपीट करते हुए लूटपाट की थी, जिसका केस कोर्ट में चल रहा है और उसी केस की गवाही 22 फरवरी को होनी थी। बस इसी के चलते उस पर दबाव बनाया जा रहा था, लेकिन उसने केस वापस लेने से मना कर दिया, जिसके बाद ये जानलेवा हमला हुआ। 2016 में पहले इन लोगों ने मेरी दुकान में लूटपाट करी, उसके बाद वो मुकदमा कोर्ट में चल रहा, उसकी गवाही नजदीक आई थी तब किसी के द्वारा मेरे पे मैसेज पहुंचाए गए, या तो फैसला कर लो नहीं तो जान से गोली से मार देंगे। मैंने उसके फैसले से इनकार कर दिया। फिर इन्होंने मेरी फील्डिंग बनाई, राजेश काने ने घर से फील्डिंग बनाई है, लड़का अपना बेदखल करके, और इन्होंने आज 11 जने ने मेरे साथ वारदात करी है। तो वही दूसरी घटना फरीदाबाद के गांव करनेरा की है, जहां भी प्रॉपर्टी डीलर को दिन दहाड़े बीच रास्ते में रोककर गोली मारकर हत्या कर दी गई। जमीन दिलवाई थी वहाँ से पेमेंट लेकर आ रहा था ये, और मैंने उसके पास फोन किया 5 मिनट पहले। उसके बाद में फिर दोबारा फोन करा, उसने बोला कि तुम मंदिर पर आ जाओ, हम प्लॉटिंग पे बैठे थे पीछे जहाँ पे प्लॉटिंग हो रही है, इसने हम वहाँ पे आए। उसके बाद में फिर फोन लगाया तो फोन नहीं लगा, देखा तो गाड़ी गोली मार। मृतक के परिजनों के अनुसार काफी समय से जान से मार देने की धमकी दी जा रही थी। कुछ जमीन के पेमेंट लेकर मृत शख्स अकबर घर लौट रहा था कि तभी उसे गोली मार दी गई। साथ ही मृतक के परिजनों के अनुसार आरोपी मृतक का ही साथी है। ये मेरे चाचा थे और इन्हें मतलब धमकी दी गई थी, बार बार धमकी भी दी जा रही थी, लेकिन ये सुबह आए थे तो बोल के आए थे कि मुझे ऐसी धमकी मिली है, और यहाँ पर जैसे देखा तो मतलब अभी गोली मार दी गई है, और जो कि अभी जो बेटा था इनका उसने बताया भी था कि ये है कातिल, लेकिन कौन है कातिल। इन दोनों ही घटनाओं में पुलिस के हाथ अभी तक कुछ भी नहीं लगा है। फिलहाल पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है।